नवरात्रि पर जगह जगह गरबा रास करके मां की आराधना की जा रही है। इसी कड़ी में मंदसौर का एक गांव ऐसा भी है जहां सरहद पर देश की रक्षा करने वाले फौजी गरबे का आयोजन करवा रहे हैं। जी हां, आपको भी दिखाते हैं अफजलपुर की ये कहानी। देश की सरहद पर बंदूक लेकर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने वाले सरहद के सिपाही मंदसौर जिले में पिछले 9 साल से गरबे का आयोजन कर रहे हैं। जी हां, जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर सैनिकों की जननी मानी जाने वाली अफजलपुर की सरजमी पर फौजी भाई द्वारा रंगारंग गरबों का आयोजन किया जा रहा है। पिछले 9 सालों से अफजलपुर में फौजी गरबा मंडल द्वारा गरबे का आयोजन किया जा रहा है और इस बार 10वां वर्ष है। इस आयोजन का संपूर्ण खर्च देश के जवानों के द्वारा उठाया जाता है। मंदसौर जिले के अफजलपुर गांव में यहां गांव के देश सेवा के जो जुड़े हुए हैं समान सभी जवानों के द्वारा इस गांव में जो देश की सीमा और सरहद पर रहकर जो देश की रक्षा करते हैं उसे उन देश के जवानों द्वारा एक अपने गांव में से मां के प्रति आराधना का जो जज्बा और जो जुनून देखने को मिला है हम आपको और तमाम जवानों से हमको मिलवाना चाहते हैं। इस मामले में आपसे बात करते हैं कि क्या कुछ मां की आराधना को लेकर किस प्रकार की आपके मन में भावना है और क्या कुछ कहना चाहेंगे देशवासियों को? पहले तो सबसे पहले सभी देशवासियों को जय हिंद। हम ये ग्राम अफजलपुर जिला मंदसौर के अंदर हैं और यहाँ पर हम सभी फौजी भाई मिलकर ये फौजी गरबा मंडल का आयोजन करते हैं और इसमें सहयोग सभी फौजी भाइयों का ही रहता है। तो ये कम से कम 9 साल से इसको लगातार कर रहे हैं, ये इस साल 10वां साल है और इस फौजी गरबे की वजह से गांव में ये प्रेरणा मिली है कि यहाँ पर सबसे सर्वप्रथम मैं गया हूँ यहाँ से 2000 में। उसके बाद ये सिलसिला लगातार चालू है और इस गरबे की प्रेरणा से यहाँ पर लगातार बच्चे मतलब जा रहे हैं पैरामेट्रिक कोर्स। इस गरबा के आयोजन को लेकर आपके मन में ऐसी क्या प्रेरणा जागृत हुई कि जे माँ की आराधना की जाए और आप साल भर में किस प्रकार की छुट्टी लेके यहाँ पर माँ की आराधना करते हैं? कभी छुट्टी मिल जाती है, कभी नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि हम छुट्टी लेके आए ताकि हम जितने फौजी भाई यहाँ रहेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, गाँव वालों को भी अच्छा लगता है और इसका एक ही उद्देश्य है कि इस फौजी गरबा मंडल के वजह से यहाँ के जो बच्चों में उत्सुकता ज़्यादा है और इसमें फिर हम फौजी नाम सुनते ही और ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम भी फौजी में। कितने जवान मिलके ये आयोजन को संपन्न करवाते हैं और इसमें गांव वालों की क्या भूमिका रहती है? यहाँ अफजलपुर से तकरीबन 50 लड़के हैं जो कि अनेक जगहों पर है, कोई श्रीनगर है, कोई छत्तीसगढ़ है, कोई आसाम है, लेकिन इसमें सहयोग 30-40 लड़कों का ही रहता है। सब नहीं कर पाते हैं और सब छुट्टी भी नहीं आ पाते क्योंकि सबके अपनी अपनी ड्यूटी में किसी को छुट्टी नहीं मिली और किसी को मिली, लेकिन कोशिश करते हैं कि हर नवरात्रि में यहाँ माँ की आराधना करें और गांव का भी बहुत अच्छा सहयोग रहता है और गांव का सहयोग के कारण हमारी ज़्यादा उत्सुकता बढ़ती है। क्या शुभनाम है और कहाँ पदस्थ हैं आप? मैं कमल सिंह चंद्रावत CRPF 130 बटालियन अवंतीपुरा में पदस्थ हूँ और मेरे अभी अवंतीपुरा श्रीनगर में पोस्टिंग है और 1 साल से मैं अभी उधर ही हूँ और मेरे यहाँ अफजलपुर के और भी साथी हैं जो कि श्रीनगर में अभी पदस्थ हैं। अफजलपुर गांव के 30 से 35 फौजी भाई मिलकर 9 दिन तक माँ की आराधना करते हैं और इसके लिए वे खास तौर पर छुट्टी लेकर आते हैं। अगर कोई फौजी गरबा में सम्मिलित नहीं हो पाता है तो वह अपनी सहयोग राशि ज़रूर भेजता है और इसका एक ही मकसद है, लोगों को अपने काम के साथ साथ आस्था का संदेश भी देना। समस्त मतलब गांव अफजलपुर के सभी फौजी भाइयों द्वारा जो ये गरबा आयोजन किया जा रहा था इससे हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपने काम के साथ साथ भगवान के प्रति भी आस्था रखनी चाहिए और सबकी सुरक्षा के लिए हम माता की आराधना करते हैं। हर साल इसी तरह हम आगे भी माता की आराधना करते रहेंगे और जैसे जो बंदे छुट्टी नहीं आते हैं वो भी हमारे साथ सहयोग करते हैं और हम भी उनका सहयोग करते हैं। फौजी गरबा मंडल हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मनाया जा रहा है, इसलिए मैं समस्त ग्रामवासियों और युवाओं से निवेदन करता हूं कि
देश के प्रति अपना समर्पण और मतदान का सही प्रयोग करें, किसी भी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा न बने और अपने देश के नवनिर्माण में सहायता करें। अतः सभी से निवेदन है कि अपना मत का सही से प्रयोग करें। विभिन्न बटालियन बीएसएफ आर्मी सहित देश सेवा में पदस्थ फौजी भाइयों के द्वारा आयोजित होने वाले गरबे में आसपास के 20 से अधिक गांव के लोग शामिल होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज मंदसौर।